मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही करते हुए एक स्टोर कीपर के पद से रिटायर हुए कर्मचारी के ठिकानों पर छापा मारा है। कर्मचारी के भोपाल स्थित घर और विदिशा जिले की लटेरी में कार्यवाही की गई है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति को लेकर की गई शिकायत की जांच के बाद चल रही कार्यवाही में लगभग 10 करोड़ से अधिक की चल व अचल संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक मनु व्यास से मिली जानकारी के अनुसार अशफाक अली निवासी लटेरी, जो जिला चिकित्सालय राजगढ़ में पूर्व में स्टोर कीपर के रूप पर पदस्थ थे, रिटायर्ड स्टोर कीपर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। परिवार के सदस्यों के नाम पर 16 से अधिक अचल संपत्तियों की जानकारी मिल चुकी है और लगभग 50 से अधिक अचल संपत्तियों को लेकर भोपाल, विदिशा और लटेरी में जाँच की जा रही है। अभी तक की जाँच पर अशफाक अली, उनके बेटे जिशान अली, शारिक अली, बेटी हीना कोसर और अपनी पत्नी राशिदा बी के नाम पर 16 अचल संपत्तियों की क्रय संबंधी अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। अन्य 50 से अधिक ज्यादा अचल संपत्तियों के संबंध में लटेरी, विदिशा और भोपाल में जानकारी एकत्र की जा रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, भोपाल विदिशा राजगढ़ में जो अगस्त 2021 में रिटायर हुए, ऐसी जानकारी मिली कि इनके पास काफ़ी संपत्ति है, जो इनकी जो वैधानिक आय है उससे काफ़ी अधिक है। तो जो प्रथम दृष्टया जांच पर इस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद इसमें इनके जो निवास स्थान है और लटेरी जो भी संस्थान है वहाँ पर सर्च की गई। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो लटेरी में इनके पास कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी है, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट में, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लटेरी में, और इनके निवास स्थान एयरपोर्ट रोड पर भी ग्रीन वैली में, तो वहाँ पर भी सर्च की कार्रवाई जारी है, जो अभी हमको जो काफी अच्छी संपत्ति मिलने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।